Welcome back to my channel. I hope you all are fantastic. Alhamdulillah, I'm doing good as well. So हम लोग आए हैं यहाँ पे शारजा to find an apartment. तो मैंने कहा मैं आप लोगों को साथ ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस तरह की buildings हैं और किस तरह के apartments हैं. Let's see if we can find a good option over here. And yeah, just stay with me or costing prices or जो भी मैं आप लोगों को दिखा सकी, बता सकी, information दे सकी और guide कर सकी, I will give it all in this vlog. So please stay connected और vlog को end तक देखिएगा. And Uzan is also with me. We're just waiting. जो भी agent है वो आ जाए so that we can. Hello. Hello. So we're just waiting for the agent. Let's see वो आते हैं और क्या दिखाते हैं. मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से व्यू दिखा देती हूँ बिल्डिंग्स का. दिस इज़ आई थिंक कसेमिया एरिया है. आई थिंक आई विल मैंशन इट अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो. बट लेट्स सी क्या दिखता है हमें यहाँ पर. और मैं आप लोगों को अभी बिल्डिंग वगैरह दिखाती हूँ. यहाँ पर थोड़ी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं. ये तो कोई होटल है बट अगर बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं इस एरिया में. हस्बैंड जी गए हैं देखने के लिए अपार्टमेंट. अगर अच्छा लगा then we will go and see it. Let's see. मैंने बोला तो है कि वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लेगा फॉर माई व्लॉग. लेट्स सी क्योंकि उजान भी हमारे साथ है तो उसको बार बार लेके जाना, बार बार वापस लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए. तो इस वजह से ही इज़ गॉन फर्स्ट टू सी अगर हमारे मुताबिक हुआ, हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट किया तो फिर हम लोग जाके देख लेंगे. एंड बाय द वे दिस लिपस्टिक इज़ लुकिंग सो गुड. ये मैंने अजमान में जो शीन आउटलेट है वहाँ से लिया. कीको मिलानी की लिपस्टिक है ये. शेड मुझे याद नहीं है अभी और बस मैंने ऐसी लगा ली जस्ट टू चेक इट आउट. अभी मैं पूरा दिन उसको लगा के रखूँगी, देखते हैं स्टे करती है कि नहीं. और ये मैट लिपस्टिक है और इसके साथ जो है ना ग्लॉस भी आता है, 2 in 1 है. तो मैंने ग्लॉस के साथ लगाई है. तो लेट्स सी कि ग्लॉस कब तक रहता है और लिपस्टिक इटसेल्फ कब तक रहती है. एंड आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट कमिंग इन द फ्रेम प्रॉपरली क्योंकि ये मैंने फिक्स किया हुआ है यहाँ पे फ़ोन अपना, तो मैं इतनी आ सकती. सो बेयर विद मी प्लीज. अच्छा तो मैं यही बता रही थी कि काफ़ी लोगों से सुना है दैट शारजा इज़ कंपेरेटिवली चीपर टू लिव. बट ऑब्वियसली कम्यूट करना पड़ेगा शारजा टू दुबई बिकॉज माई हस्बैंड जॉब इज़ ओवर देयर. तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा एंड वी आर टेकिंग दैट इन टू कंसिडरेशन एज वेल. बट लेट्स सी कि क्या फाइनल डिसाइड होता है. इफ़ वी आर एबल टू फाइंड अ गुड अपार्टमेंट ओवर हेयर देन वेल एंड गुड. क्योंकि लोकेशन भी मैटर करती है प्लस डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो आपको बिल्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं दैर ऑल्सो मैटर्स अलॉट. और उसी की वजह से आपके अपार्टमेंट के रेट जो हैं वो हाई हो जाते हैं. क्योंकि अभी जिस अपार्टमेंट में हम लोग रह रहे हैं दुबई, इट इज़ इन स्पोर्ट्स सिटी और वहाँ पे इंडोर प्ले एरिया भी है फॉर द किड्स एंड देर इज़ अ वॉकिंग ट्रैक एंड एवरी थिंग. स्विमिंग पूल भी है एंड ऑल्सो देर इज़ अ जिम, अ सेपरेट जिम फॉर मेल एंड फीमेल. तो ऑब्वियसली इट्स अ बिट एक्सपेंसिव फॉर अस इवन लिविंग इन अ स्टूडियो. इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. सो दैट्स वाई वी हैव ऑप्टेड टू विजिट शारजा एंड एक्सप्लोर ओवर हेयर. शारजा में भी बहुत अच्छे अच्छे एरियाज हैं नो डाउट. कॉर्निश का एरिया बहुत अच्छा है और हमने मजाज एरिया देखा था, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस. वो थोड़ा कम्युनिटी स्टाइल एरियाज बने हुए हैं यहाँ पे कि मस्जिद भी नियर बाय है, देन देर इज अ पार्क और उसके अराउंड बिल्डिंग्स हैं. तो यू नो अ स्टैंडर्ड एक लिविंग लाइफ स्टाइल मुझे यहाँ पे दिखा जैसे हम लोगों के यहाँ पाकिस्तान में होता है. दुबई थोड़ा सा कमर्शियल है और थोड़ा सा यू नो लग्जरी की तरफ ज़्यादा है. तो लेट्स सी क्या डिसाइड होता है. मैंने कहा चलो व्लॉग बना लेती हूँ मैं अबाउट इट सो दैट आई कैन गाइड द पीपल हु आर कमिंग ओवर हेयर
कि वो किस तरह से अपना यू नो इकोनॉमिकली दे कैन सेटल इन दुबई इन यूएई बेसिकली. यूएई में आपका शारजा आ जाता है, अबू धाबी आ जाता है, आपका अजमान का एरिया आ जाता है. तो ऑल ऑफ दीज एरियाज यू नो अगर आप लोगों को दुबई में रहना है या यूएई में रहना है बेसिकली तो आप ये सारे एरियाज़ कंसिडर कर सकते हैं. स्पेशली इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका कम्यूट का कोई मसला ही नहीं होगा. वीकेंड्स पे या वैसे ही जब भी आपका मूड हो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दुबई एंड कम बैक टू योर होम. पीपल आर स्टेयरिंग एट मी बट डू आई केयर? नो आई डोंट थिंक सो बिकॉज़ माय कैमरा इज स्टिल ऑन एंड आई एम स्टिल टॉकिंग टू यू ऑल. सो लोकेशन इज़ नाइस, यहाँ पे मैंने एक नर्सरी भी देखी है बिकॉज ऑब्वियसली हमें उजान की एजुकेशन का भी देखना है. नर्सरी में उसको नर्सरी में उसका एडमिशन कराना होगा हमें. तो लेट्स सी क्या होता है. उजान इज प्लेइंग विद हिज लैपटॉप. व्हाट आर यू डूइंग बेबी? I brought his laptop ताकि वो busy रहे, थोड़ा सा खेलता रहे. It's a toy laptop by the way. तो it's good that he's busy. वरना bore होता. लग तो कुछ सही का ही रहा है बस. इसकी सारी सफाई सफाई वगैरह सब होगी. डोंट ओपन बेबी. ये सारी फिक्सिंग शिक्सिंग वगैरह ये सारी चीजें हो जाएंगी अंदर इसके साथ आप होगा. ये एग्जॉस्ट चेंज होगा. ठीक है. बहुत ही वेदर दिखाओ तो जंग कोंग लगाओ. आई थिंक फिक्स होगा ना. अच्छा कम ऑन बट वो बोलते हैं करते तो नहीं करके देंगे भाई. उससे पहले थोड़ी बचत. दिस इज अ लाउंज. दिस इज डर्टी. दिस इज डर्टी. डोंट सिट. डोंट टच. डोंट टच. चीजी. डोंट टच. व्हाट एम आई टेलिंग यू? बहुत ही छोटे. ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी इसमें से. चलो बस 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 आइए कम उदानो कम. क्वाइट स्मॉल इट इज. वॉशरूम तो खैर सही है. वॉशरूम तो धुल बुल के सही हो जाता है. मेरी शक्ल से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अपार्टमेंट मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया. सो वी विल कीप ऑन लुकिंग फॉर मोर अपार्टमेंट्स और मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो के एंड में.
तो वी एक्सप्लोर्ड कास्मिया एरिया और यहाँ पर हमें सिर्फ यही दो अपार्टमेंट्स कुछ समझ में आए. मैंने सिर्फ एक ही विज़िट किया, दूसरा वाला ऑप्शन वॉज गुड बट रेंट वॉज टू हाई फॉर अस. सो वी विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग मोर एरियाज इन शारजा फॉर बेटर ऑप्शंस. सो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.